नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अमित। स्वागत है आप सबका इस डिफेंस सेगमेंट में। और इस डिफेंस सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं दो टॉपिक के ऊपर। उसमें से पहला टॉपिक है हमारा एक मटेरियल को लेके। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते होंगे, हमने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किया था कि इंडिया की एक कंपनी IREL ने एक ऐसा मटेरियल डेवलप किया है जो कि कैपेबल है एक हाई टेम्परेचर को सस्टेन करने के लिए। और ये मटेरियल यूजुअली लगाया जाता है बाई लेयर के रूप में जेट इंजन के पार्ट्स में। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस मटेरियल के डेवलप हो जाने से जो कावेरी इंजन के कोर की जो प्रॉब्लम थी उसको कुछ हद तक सॉल्व किया जा सकता है, और इसी बारे में बात करेंगे। और सेकेंड टॉपिक पे बात करेंगे वो है, जैसे कि हमने कल ही कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किया था कि इंडिया की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड वेबी ने अपने गन AR-2 के डेवलपमेंट को लगभग पूरा कर लिया है। और ऐसा बताया जा रहा है कि इस ईयर के एंड तक इस गन को इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री यूनिट को दे दिया जाएगा ट्रायल के लिए, और फिर देखा जाएगा कि ये गन किस तरह से परफॉर्म करता है। तो आज के सेकेंड टॉपिक पे इस गन के बारे में बात करेंगे। तो इस डिफेंस सेगमेंट की तरफ बढ़ने से पहले जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है जाके सब्सक्राइब करें। तो चलिए बढ़ते हैं इस डिफेंस सेगमेंट की तरफ। तो सबसे पहले बात करेंगे कावेरी इंजन में प्रॉब्लम्स की। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, कावेरी इंजन के प्रॉब्लम्स को लेकर हम एक ऑलरेडी डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो आप यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करके देख सकते हैं। लेकिन उसकी जो मेजर प्रॉब्लम थी जो कि सॉल्व नहीं हो पा रही है, वो प्रॉब्लम थी इस इंजन के कोर में जो दो लाइनिंग एस्टेब्लिश की गई थी। और जनरली ये लाइनिंग एस्टेब्लिश की जाती है हाई टेम्परेचर को बनाए रखने के लिए, जो कि आफ्टर बर्निंग स्टेज में या फिर रीहीट स्टेज में यूज किया जा सके। तो इसमें क्या किया जाता है, जो भी आपके गैसेस आ रहे हैं हॉट गैसेस लो प्रेशर टरबाइन से, तो उन गैसेस को ये दो लाइनिंग्स में भेज दिया जाता है ताकि जो ओवरऑल टेम्परेचर है वो सडनली ना गिर जाए। और उसके बाद अगले स्टेज में कुछ इनलेट्स के द्वारा फ्यूल एडिशन किया जाता है लो प्रेशर टरबाइन से आ रहे जो भी रिमेनिंग एयर्स हैं उसमें, और इस फ्यूल एडिशन के बाद ही आपको एक्स्ट्रा थ्रस्ट मिलता है। तो कावेरी इंजन में प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जैसे ही रीहीट स्टेज में फ्यूल एडिशन हो रहा था तो इसकी जो दो लाइनिंग एस्टेब्लिश की गई थी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए, और जैसा कि आप सब जानते ही होंगे कि रीहीट स्टेज में जो टेम्परेचर होता है वो काफ़ी बढ़ जाता है, तो उस टेम्परेचर के बढ़ जाने की वजह से ये जो दो लाइनिंग थी ये उतना टेम्परेचर सस्टेन नहीं कर पा रही थी, और जिसकी वजह से जो रीहीट ऑसिलेशन का प्रॉब्लम था वो उभर के सामने आ रहा था और ये दोनों लाइनिंग वियर आउट हो जा रही थी। तो इस प्रॉब्लम को लेके ऐसा बताया जा रहा था कि इसका जो कोर है, जो कोर का डिज़ाइन है, वही चेंज करना पड़ेगा बेसिक से। और यही सॉल्यूशन फ्रांस की कंपनी साफरान ने भी दिया था। और उसके बाद ऐसा बताया जा रहा था कि DRDO शायद अप्रोच कर रही है UK की कंपनी रॉयल्स रॉयल्स को इस इंजन में हेल्प को लेके। लेकिन कहीं ना कहीं ये बात क्लियर हो गई थी कि इस कावेरी इंजन की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो इसका बेसिक स्ट्रक्चर है वही चेंज करना पड़ेगा। और शायद इसीलिए एयर इंडिया शो के दौरान अपने नए 5th जनरेशन फाइटर के लिए एक नए इंजन के डेवलपमेंट को लेके DRDO ने RFI अनाउंस किया था। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि ये मटेरियल किस तरह से इन दोनों लाइनिंग को और स्ट्रॉन्ग बना सकता है। तो ऐसा तो नहीं हो सकता कि ये इंजन परफेक्ट हो जाएगा, लेकिन ऐसी कवायतें लगाई जा रही हैं कि इस लाइनिंग को इस मटेरियल की हेल्प से रीएस्टैब्लिश करके रीहीट स्टेज को या फिर आफ्टर बर्निंग स्टेज को सस्टेन कराया जा सकता है अगर ये मटेरियल उतना टेम्परेचर बियर करने में सक्षम होता है तो। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ये कौन से मटेरियल्स हैं जो कि डेवलप किए गए हैं। तो इस मटेरियल को डेवलप किया है इंडिया की एक कंपनी IREL ने, जिसका पहले नाम था रेयर अर्थ मटेरियल लिमिटेड। और इस कंपनी ने डेवलप किया है ये ट्रियम स्टेबलाइज्ड जिरकोनिया मटेरियल, और उसके साथ ही डेवलप किया है लैंथेनम जिरकोनेट। तो बात कर लेते हैं कि ये किस तरह के मटेरियल है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, जिरकोनियम ऑक्साइड एक तरह का सिरामिक मटेरियल है जो कि जिरकोनियम के ही वाइट क्रिस्टलाइन ऑक्साइड से मिलकर बनता है। तो इसमें क्या किया गया है, जो जिरकोनियम ऑक्साइड का स्ट्रक्चर होता है, अगर आप बात करते हो मॉलिक्यूलर लेवल पे, तो इसके जो पार्टिकल के अरेंजमेंट होते हैं वो एक स्क्वायर शेप में होते हैं। तो उस अरेंजमेंट में इन्होंने क्या किया है, ये ट्रियम ऑक्साइड एक और मटेरियल होता है उसको ऐड कर दिया है। तो उसको ऐड करने से ये हुआ है कि इसके जो स्क्वायर शेप में पार्टिकल्स थे जो कि स्क्वायर शेप में अरेंज थे, तो उस अरेंजमेंट की वजह से कहीं ना कहीं वॉइड्स यानी कि गैप बचते हैं दो पार्टिकल्स के बीच में। तो उस गैप को ये ट्रियम ऑक्साइड के पार्टिकल से फिल कर दिया गया है, और इन दोनों के कंबाइन हो जाने से जो ओवरऑल स्ट्रक्चर बन के सामने आया है वो एक हेक्सागनल स्ट्रक्चर है। और इस हेक्सागनल स्ट्रक्चर ने इस पूरे मटेरियल को स्टेबलाइज किया है जो कि रूम टेम्परेचर पे भी इस स्ट्रक्चर को सस्टेन करने के काबिल है। अगर हम ये ट्रियम ऑक्साइड इसमें ऐड ना करते तो इसका जो स्ट्रक्चर था वो था मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर था, जो कि तकरीबन 1100 से लेकर 1200 डिग्री टेम्परेचर वियर करने में सक्षम था। अगर इसी मोनोक्लिनिक स्ट्रक्चर को किसी और तरीके से टेट्रागोनल स्ट्रक्चर में चेंज कर देते तो ये कैपेबल हो जाता तकरीबन 2300 से लेकर 2400 डिग्री टेम्परेचर को वियर करने में। लेकिन हमने इसे चेंज कर दिया है
एक क्यूबिक स्ट्रक्चर में या ट्रेम के एडिशन के बाद, तो अब ये मटेरियल तकरीबन 2700 से लेकर 2800 डिग्री टेम्परेचर को वियर करने में सक्षम है। तो जिसका सीधा सीधा मतलब ये है कि अगर ये पूरा प्रोसेस सही से एग्जीक्यूट किया गया है और सही से इस मटेरियल को डेवलप किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं कम्प्लीटली कारगर साबित होने वाला है। अगर आप बात करते हो रीहीट स्टेज के जो लाइनिंग है उसको इस मटेरियल से रिप्लेस करने की, तो ये तकरीबन 2700 से 2800 डिग्री वेयर करने में सक्षम है। वहीं पे जो आप रीहीट में जनरेट करते हो टेम्परेचर, वो कहीं ना कहीं 2500 से लेके 2600 डिग्री के बीच में होता है, जो कि मैक्सिमम टेम्परेचर होता है किसी भी आफ्टर बर्निंग स्टेज में। तो इस हिसाब से ये मटेरियल उस टेम्परेचर को वेयर करने में सक्षम होगा। वहीं पे जो इसमें लैंथनम जिरकोनेट डेवलप किया गया है, वो बेसिकली करता क्या है, वो आपके जो टेम्परेचर का लॉस है आपके सिस्टम से सराउंडिंग में जाने का, उसको रोकता है। मतलब आपके इंजन से टेम्परेचर का लॉस बहुत कम होने देगा ये जो लैंथनम जिरकोनेट है। तो ये भी डेवलप किया गया है। तो अगर ये दोनों कंबाइंड मिलाकर कावेरी इंजन के कोर की लाइनिंग में एस्टेब्लिश किया जाता है, तो कहीं ना कहीं जो रीहीट ऑसिलेशन की प्रॉब्लम है, हो सकता है उससे निजात पाई जा सके। देखने वाली बात ये होती है कि अभी ये पूरा जो डेवलपमेंट है इस मटेरियल का और इसकी टेस्टिंग को लेके, अभी इसे हेल को दिया गया है, इसे हो सकता है 2019 के अंत तक इसे टेस्ट किया जा सकता है। अगर सारे रिजल्ट्स पॉजिटिव रहते हैं तो ये एक बिग बूस्ट होगा इंडिजिनस लो बाईपास इंजन डेवलप करने के लिहाज से। और वैसे भी अगर कावेरी इंजन को जिंदा ना कर पाए, तो एक जो हमारे पास कावेरी के साथ एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस आ चुका है, तो उस एक्सपीरियंस को इंक्लूड करके और इस नए मटेरियल को इसमें एडिशन करके, हम एक नया इंजन मोस्ट प्रोबेबली जल्द से जल्द बनाने में सक्षम होंगे। क्योंकि हमें अब जो पता चल चुका है कि किसी भी इंजन को डिजाइन करते वक्त कौन कौन से पैरामीटर्स ध्यान में रखे जाएंगे जिससे कि ये पर्टिकुलर गलतियाँ अवॉइड की जा सकें। वैसे तो आशा यही करेंगे कि इस इंजन को इस मटेरियल की हेल्प से जल्द ही रिवाइव कर लिया जाए। अब बात करते हैं इंडियन ऑर्डनेंस फैक्ट्री द्वारा डेवलप किए जा रहे 7.62x39mm के AR-2 गन्स के बारे में। तो जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हमने कम्युनिटी सेक्शन में पोस्ट किया था कल ही कि इसका डेवलपमेंट लगभग हो चुका है और इसकी जो मैनेजमेंट टीम है वो इसको जल्द ही टेस्ट करने वाली है और इसे यूजर ट्रायल के लिए इंडियन आर्मी के इन्फेंट्री यूनिट को दे दिया जाएगा इस साल के अंत तक। और वो तकरीबन 30 की मात्रा में होगा जो कि प्रोटोटाइप के रूप में डेवलप किया गया है। तो जैसा कि आप सब जानते होंगे, ये गन गैस बेस्ड प्रोपेलेंट का यूज़ करता है अपने वेंट के थ्रू अपने बैरल में, और बैरल चैम्बर को ऑन ऑफ करने के लिए इसमें स्पेशल बोल्ट दिया गया है, और फायरिंग को स्टॉप और इंगेज करने के लिए भी एक रिसीवर प्रोवाइडेड है इसमें। वैसे तो ये वेपन AK-47 क्लासनिकोव असॉल्ट राइफल्स का एनालोगस बताया जाता है। और इसमें कुछ खास बात ऐसी है, भले ही इसका डिज़ाइन उतना अच्छा ना हो, लेकिन इसके जो रिसीवर्स हैं, जो बैरल है, उसे बनाया गया है हॉट डाई फोर्जिंग से, जिसमें स्ट्रेंथ के साथ साथ डक्टिलिटी भी है, और सिंगल और मल्टीपल टारगेट को भी डिस्ट्रॉय किया जा सकता है एक बर्स्ट फायरिंग के रूप में, जो कि तकरीबन 300 से लेकर 350 मीटर की रेंज में ये वर्क परफॉर्म किया जा सकता है। और इसके बुलेट की जो मैक्सिमम रेंज है वो तकरीबन 1200 मीटर के आसपास है। और इस 7.62 AR-2 राइफल के पास इसका जो बट है वो मेटल का दिया गया है, जो कि डाउनवर्ड फोल्डिंग होने में भी सक्षम है। और ये वेपन तकरीबन 3.5 किलोग्राम का है, 3.5 किलोग्राम का है। वहीं पे बैरल की लेंथ तकरीबन 320mm की है। ओवरऑल लेंथ जो कि विदाउट फोल्डिंग बट की है वो तकरीबन 610mm की है। और जो मजल की वेलोसिटी है 700 मीटर पर सेकंड की है। और इस सिस्टम की जो होल लाइफ है वो तकरीबन 15,000 राउंड की है। तो ये इसके कुछ स्पेसिफिकेशंस हैं। अगर इसको लेके भी सब कुछ अच्छा रहता है तो इस साल के अंत तक आपको इसके सक्सेसफुल ट्रायल देखने को मिल सकते हैं। तो इस डिफेंस सेगमेंट में इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई है गिव अस अ लाइक, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब। जय हिंद।